1 hour later. Assalamualaikum friends, मेरा नाम है शाहदेव खान. वेलकम टू अनदर व्लॉग. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड. फ्रेंड मैंने ना आज अपने डेरे की ना सबसे जो पहली फसल है ना जो पक के तैयार होगी वो मैंने आज कट कर ली है सारी, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ वो कौन सी फसल है. चलिए मेरे साथ फ्रेंड. ये देखें मैंने जो घास लगाया था माशाल्लाह, ये भी अभी ग्रीन हो गया है. इसमें से फ्रेश घास जो है ना वो उग रही है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से. और अभी चलते हैं सब्जी में. तो फ्रेंड यहाँ पर ना ये जो मेरा पुदीना नहीं लगा हुआ ये वाला, इसके ऊपर ना फ्रेंड सुंडी आ गई थी, ठीक है, दीमक की तरह उसने इसको जो है ना चाट दिया. ये देखें इसका कलर कैसे है और इसका कलर कैसे है, ये आप देख सकते हैं इसको. इसको फिर मैंने ऊपर फ्रेंड स्प्रे किया और सारी जो है ना वो ऊपर से अब उतर गई है, मर गई है ना. मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये देखें फ्रेंड इसके ऊपर ना ये सुंडी अभी भी है लेकिन डेड हो गई है. ये देख सकते हैं आप, ये देखें फ्रेंड ये डेड हो गई अभी फ्रेंड. तो बाकी अटैक होने से भी मैंने बचा लिया फ्रेंड, सारा पुदीना सेव कर लिया और बकाया सब को जो है ना मैंने स्प्रे किया. ये अब जितने भी पौधे देख रहे हैं सब को मैंने स्प्रे किया. तो ये देखें माशाल्लाह लोबिया की जो है ना बेल इसके ऊपर चढ़ रही है, और ये देखें फ्रेंड फूल भी निकल आया इसके ऊपर माशाल्लाह. और ये जौ कुछ रह गए थे और कुछ कटाई कर दी थी. और ये मेरे माशाल्लाह से खीरे भी जो है ना काफ़ी सेहतमंद हो गए, खीरों के पौधे जो हैं कुछ ये पाँव के नीचे आके ना सारे दब गए इनके. और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हो गए हैं ये भी. अब इसके ऊपर फ्रेंड ना ये फूल लग रहे हैं छोटे छोटे, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे फूल लग रहे हैं अभी. तो अनकरीब इसके ऊपर खीरे लगेंगे, 2-3-4 दिन तक इसके ऊपर जो है ना बीज बन जाएगा खीरा पीछे से. ये देख सकते हैं आप अभी माशाल्लाह काफ़ी जो है ना बड़े बड़े हो गए. तो फ्रेंड गर्मी बहुत है, मैं सबसे पहले आपको अपनी वो फसल दिखाता हूँ जो मैंने कट की है. और ये देखिए फ्रेंड मैंने ये अपना जो धनिया लगाया था उसका भी माशाल्लाह से जो है ना ये बीज जो है ना ये बन गया, और अन करीब अब ये भी जो है ना धूप अभी सख्त है ये भी बन जाएगा पक जाएगा, तो फिर इसको भी काट कट कर लेंगे. ये देख सकते हैं बाकी के ऊपर फूल लगे हैं सारे. और देखें मौसम कितना जो है ना धूप वाला है आज. तो चलते हैं अभी आपको दिखाता हूँ. तो ये देखें फ्रेंड ये सौंफ आप देख रहे हैं ना, पहले भी आपने वीडियो में देखे थे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारे सौंफ लगे हुए थे इधर इसके ऊपर ना. तो फिर हमने ये जो है ना सौंफ ये वाले ऊपर से काट लिए सारे. ये देखें तो काफ़ी ज़्यादा सारे सौंफ निकले, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. एक ये पौधा है बड़ा सा और एक ये पौधा, ये दो पौधे ये हैं और एक ये है, इसके ऊपर से हमने सौंफ उतारे हैं. ये देखें अब कुछ कुछ हैं वो छोटे हैं अभी, ये आप देख सकते हैं ये जब पक जाएंगे फिर उतारेंगे इसको. और ये देखें फ्रेंड ये दो छोटे छोटे जो है ना थैले इसके बने हैं, आपको खोल के दिखाता हूँ. तो ये देखें फ्रेंड माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना हेल्दी सौंफ इसके ऊपर से उतरे हैं. ये देखें माशाल्लाह. और अभी फ्रेंड इनको अभी छांव पे रखेंगे, ये थोड़े खुश्क हो जाएंगे ना तो फिर इसको जो है ना स्टोर करेंगे और बीज के लिए रखेंगे नेक्स्ट के लिए. तो ये फ्रेंड ये देखें ये दो बैग निकले हैं इसमें से, बाकी जो है ना इसमें से कुछ इस्तेमाल कर लेंगे और बकाया जो है ना रख देंगे वो नेक्स्ट सीज़न के लिए ना इसी जगह पे लगा देंगे. और फ्रेंड हमने अभी थोड़ी सी और चेंजिंग की है डेरे की. ये देखें आप ये हमने दीवार बनाई है यहाँ पे, ये सारी दीवार बनाई है. और इस दीवार का मकसद भी मैं आपको बताता हूँ. ये देखिए उधर तक हमने सारी दीवार चढ़ा दी और वो दरवाज़ा रखा है वहाँ से जू के पास से ना. और ये देखें फ्रेंड ये हमारी गाजर के जो है ना ये भी बीज पक रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर फूल निकल रहा है, ये बीज बन रहे हैं. ये फ्रेंड ये हमने जो दीवार बनाई है ना ये हमने इस मकसद के लिए बनाई है कि अब जो है ना अभी मतलब आपके सामने कुछ चिक्स वहाँ पे हैं उधर उस जगह पे हमने बांध किए हैं, उनको भी हमने इधर शिफ्ट करना है. और ये दीवार जो है ना फ्रेंड हमने ये ऊंची करनी है, ये वाली दीवार ऊंची करेंगे. ऊंची करके ना तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो चिक्स हैं ना सारे उधर नहीं जाएंगे उस साइड पर, सब्ज़ी वाली साइड पर नहीं जाएंगे, इधर इसी एरिया में रहेंगे. काफ़ी स्पेस है फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेस है ये देखें. और ये वाली दीवार हम बीच में से हटा लेंगे ताकि चिक्स जो है ना खुले इन आउट हो सके. और अभी चलते हैं फ्रेंड मेरी जो के अंदर, देखते हैं चिक्स की क्या कंडीशन है. ये
ऑलरेडी मेरे इंतज़ार में रहते हैं, मैं कब आऊँ और इनको फीड डालने के लिए, क्योंकि जन भी सबके सब फिक्स जो है यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब फ्रेंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखें मेरे माथे पे पसीना भी टपक पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हवा चली हुई लेकिन यहाँ से आ रही हवा अभी अंदर यहाँ से। तो अभी इनको फ्रेंड फीड डालते हैं और काफ़ी चिक्स जो है ना बेचारे बॉक्स से, ये देखें ना, ये देखें फ्रेंड, ये देखें मैंने जगह साफ रखी हुई है इनके लिए, क्योंकि तो गंदी जगह हो तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब सा मतलब जो है ना फील होता है ऐसा, तो मैंने इनके इसीलिए ये सफाई की थी। और ये देखें फ्रेंड, इधर जो हमने वो जो बनाया था अपना कबूतर का पिंजरा, ये तो किसी काम का नहीं बना इधर, इसको अभी हम शिफ्ट करेंगे इधर नीचे की तरफ, इधर साफ करके ना, जहाँ पर ये गोल्डन चिक्स का बनाया था ना, इसके साथ हम दूसरा बना देंगे इस जगह पे, बड़ा सा करके ना भूसा वगैरह डाल देंगे, ताकि वो अपने एग वगैरह ब्रीड वगैरह कर सकें यहाँ पे आसानी से। बकाया ये चिक्स देखें, इनके लिए भी हमने फ्रेंड उस कॉर्नर पर ना बड़ा सा बनाऊंगा कमरा, क्योंकि फ्रेंड जो ये टोकरा है ना, इस टोकरे के नीचे रखता हूँ, तो इन्होंने फ्रेंड यहाँ पे किया हुआ है सुराख। सुबह भी मैं जब आया हूँ तो ये सारे के सारे चिक्स निकले हुए थे यहाँ पे, मैं खुद आपको मैं सुराख दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इन्होंने ये सुराख किया हुआ है, ये वाला कोई हट जाओ, इन्होंने ये सुराख किया हुआ है यहाँ से, तो ये रात को जो है ना सुबह के टाइम, सॉरी सुबह के टाइम, यहाँ से जो है ना सारे चिक्स बाहर आ जाते हैं वन बाय वन। ये देखिए अभी इकट्ठे हो गए हैं साथ के साथ। तो फ्रेंड इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उधर ना इनको ना एक अलग सा कमरा बना देता हूँ, ताकि ये अंदर जो है ना सेफ रहे, आगे बंदा ब्लॉक रख देता है या कुछ भी रख देता है, दरवाज़े से बना देता है, लेकिन ये जो टोकरा है ना ये सेफ़ नहीं है, इसके नीचे तकरीबन कोई 4-5 दफ़े इन्होंने ऐसे ही किया है बाहर निकल आते हैं। और एक चिक तो इधर नीचे एक मैंने बाउल रखा हुआ था, उस बाउल के नीचे गया हुआ था, उसके ऊपर उल्टा हो गया था वो बाउल, तो वो भी मैंने सुबह आके देखा तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो बचा है वो। तो अभी उनका जो है ना वही सीन है कि इधर केज बनाऊंगा, पहले पिजन किधर बना दूंगा, इनकी बड़ी कार के ना उस दीवार तक बना दूंगा, ताकि ये इजीली जो है ना अंदर पड़े रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि जब भी मैं सुबह आता हूँ इनको फिर डालने के लिए, ये सारे के सारे बाहर निकले होते हैं और सैर कर रहे होते हैं, कोई इधर कोई इधर, और फिर ये यहाँ से इस दीवार से भी यहाँ चढ़ के ना उस साइड चले जाते हैं, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड माशाल्लाह मेरे गोल्डन वाली चीज जो है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह बड़े बड़े, ये देखें एक मेरे हाथ के ऊपर चढ़ा है, ये देखें यही कारनामे करते हैं, ये अभी हाथ के ऊपर चढ़ा है ये जो गंजा वाला चिकन, तो यही कारनामे है फ्रेंड इनको। चलो नीचे उतरो, अभी फ्रेंड इनको डालता हूँ मैं फीड, और इनका पहले पानी चेक करते हैं पानी कितना पड़ा है। तो फ्रेंड पानी ठीक है इसके अंदर, अभी पानी ठीक ठाक पड़ा है, तो इनको फ्रेंड मैं अभी फीड डालूँ, नहीं तो ये जो है ना मुझे कच्चा चबा देंगे सारे मेरे पीछे पड़ गए। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और जो मेरे जिन फ्रेंड्स ने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, और जो अभी नए आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरी हौसला अफजाई होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी बाइक को जा सकते हैं।